हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा। सेल्स की जॉब है तो कस्टमर के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज का एक्सपीरियंस ऐसा है कि कस्टमर के पास हम गए जिस पे हमें काम अपना प्रोडक्ट लगवाना था, मतलब वहाँ पे स्टार्ट करवाना था। पहले कभी लेता बीच में बंद कर दिया था उसने, तो हमने सोचा वापस चालू किया जाए, इसके लिए हम गए थे। भाई साहब के पास पहुँचते ही हाय हेलो हमने किया और उनसे कहा, तो पहले उन्होंने ना बोल दिया, तो हमने थोड़ा एक्सिस्ट किया कि कुछ आइटम हमारे अलग हैं, हटके हैं, आप देख लीजिए प्राइस हमारी काफ़ी बड़ी है। उन्होंने ठीक है 10 मिनट देखते हैं। तो 10 मिनट को आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट कितना, आधे घंटे, पौने घंटे, एक घंटे? नहीं, वो 10 मिनट हमारा पहुँच गया 3 घंटे 4 घंटे के आसपास। बीच में भैया को हमने बोला, भैया देख लीजिए, तो भैया ने बोला पहले काम देखें उसके बाद आपका देखें। तो हमें लगा भाई काफ़ी ज़रूरी काम होगा, देख लें। तो फिर भी मतलब इंतज़ार किया हमने 2 घंटे और बीत गए 4 घंटे। तो भैया थोड़ा उठे, खाली हुए थे, हमें लगा कहीं जा रहे, तो हमने बोला टोक दिया हमने, अब भैया देख लीजिए। तो भैया ने देखा, फिर उनके फ़ोन आ गए, फिर वो बिजी हो गए, फिर हम लेके खड़े रहे। उसके बाद वो निकल दिए ना कोई जवाब ना सवाल। तो हमें लगा भैया आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, फिर टाइम वेस्ट करने। तो सबसे बड़ी गलती तो हमने ये की जो हमने 4 घंटे वेट किया, लेकिन कहा गया है कि पेशेंस, सेल्स की जॉब में पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। तो उस पेशेंस का नतीजा तो कुछ अभी निकला नहीं, शायद अगली बार निकले। लेकिन मैं भैया से भी रिक्वेस्ट करूँ, मतलब जो भी सामने आप, जैसे आपका समय कीमती है, वैसे उस बंदे का भी कीमती है जो आपके पास आया है समय लेके। तो आप उस बंदे के समय का भी ध्यान रखिए और उसे टाइम दीजिए। तो अगर 10 मिनट आप कैटलॉग उसके प्रोडक्ट देख लेंगे तो आपका उसमें कुछ चला नहीं जाएगा। 10 मिनट निकाल के देख लीजिए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन समय निकालिए, ऐसा वेट मत करवाइए। ओके दोस्तों, आई होप आगे ऐसा ना हो। ये हमारे सेल्स की, मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स में यही सब होता है, टाइम, मेहनत, सब कुछ लगने के बाद रिजल्ट। कभी कभार जब 0 आता है तो काफ़ी बुरा लगता है। ऐसे होप आपके साथ ऐसा ना होता हो, अगर होता है ऐसा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, और ऐसा ना हो दोबारा इसके लिए कह रहा हूँ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चाहिए वीडियो। थैंक यू दोस्तों, बाय।